उट क्यों? करती हूँ इंटर्नशिप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इस इंटर्नशिप so वीडियो को जल्दी से देखने के बाद ना आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसमें होती है वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इंटर्नशिप के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं पहली

ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है वैसे तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी लेकिन फॉर्म में फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर स्टूडेंट्स के अलावा और कोई भी अप्लाई कर सकता है प्लीज नोट दैट वर्किंग इसके लिए एलिजिबल नहीं है और एलिजिबल होने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी है एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है एंड सेकेंड कुछ ऐसे प्री रिक्वेजेड कोर्सेज है हर लर्निंग पाथ के जिनको आपको कंप्लीट करना है और मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स स्कोर करना है अब समझते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सो आप सिंपली इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ आपको यहाँ पे या तो रजिस्टर लॉग इन करना होगा जब आप लॉग इन पे क्लिक करोगे तब आपको इनके होम के एक बार देगा। इसमें जो है, वहां पर लिखा हुआ है इसमें भी दो लिंक गिवन है सबसे पहला है एक नॉमिनेशन फॉर्म का जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये फॉर्म दिखाई देता है आपको सिंपली इसको फिलअप करना है इसमें बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी है जैसे आपकी क्वालिफिकेशन कौन से हो कौन सा प्रोजेक्ट टिकअप करना चाहोगे so इसके बाद सेकंड स्टेप होगा उन कोर्सेज को आप तो लेकिन तो आपने जो भी फॉर्म में सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी के आपको करना है. मैंने आपके रेफरेंस के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि कितने घंटे लगेंगे आपको इन सारे कोर्सेज को करने में आई नो ये बहुत ज्यादा आर्स है बट देन आपको थोड़ा सा स्किम थ्रू कर सकते हो लाइक जिन लोगों ने कोर्सेज परस्यू किए हैं अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आप डायरेक्टली सेल्फ असेसमेंट पे फोकस करो विच इज द टेस्ट दैट यू हैव टू टेक एट द एंड ऑफ़ द कोर्स बट अगर आपको नहीं पता है तो उनके इंटरव्यू राउंड होंगे अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोर्सेज है इसके लिए उन्होंने दो अलग अलग डेडलाइन दी है उस फॉर्म को फिलअप करने की डेडलाइन इज सिक्स ऑफ ऑगस्ट लेकिन उन कोर्सेज को कंप्लीट करने की डेडलाइन इज ट्वेंटियथ ऑफ ऑगस्ट सो आपका नंबर वन स्टेप क्या बन जाता है कि आपने जाते आते ही फॉर्म भरना है उसको भरने में सिर्फ एक मिनट लगेगा आपको अपना स्लॉट रिजर्व उसके बाद ऑफ ऑगस्ट अगर आपको इस पूरे में कोई भी क्वेरी आती है तो मैं उनकी ई मेल भी आपके सामने शेयर कर रही हूँ मैंने खुद भी उन्हें ई ड्रॉप की हुई है एन द वेरी रिस्पॉन्सिव आपको विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा आई ट्रूली होप दट दिस वीडियो एटलीस्ट हेल्प दो इंटर्नशिप करना चाहते हैं that too, a Finding more internships for students coming from non tech backgrounds, but as of now, this is all from my side. I hope that it helps you. Thank you so much for watching this, guys, and see you the next time.